हरे कृष्णा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 6 के आगे के क्वेश्चन। तो देखिए इससे पहले के जो 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आज हम आगे के 6 के आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसमें है स्टेटमेंट पढ़ के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट पढ़ के पहले आपको फिगर बनानी है। जब फिगर प्रॉपर बन जाएगी उसके बाद कॉन्सेप्ट तो इसका बहुत इजी है, ठीक है ना। बोल रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बोल रहा है एक 1.5 मीटर का लड़का है, ये मान लीजिए 1.5 मीटर का लड़का है और 30 मीटर की बिल्डिंग है। 1.5 मीटर का लड़का है 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है वो नहीं पता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बोल रहा है उसकी आंखों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 हो गया जब वो बिल्डिंग की तरफ चला। मतलब अभी क्या करा उसने, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो 30 डिग्री एंगल बन रहा था। अब वो क्या करा, लड़का कुछ आगे आ गया, यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया वो, तो उसका जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 60 डिग्री हो गया, 30 to 60 हो गया एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो गया। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये हमें बताना है कि वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये हमको इस क्वेश्चन से फाइंड करना है। तो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, इस तरीके से मैंने इसका नामकरण कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए पी क्यू और सी बी ये दोनों इक्वल होंगे, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, दोनों हो गए 1.5 मीटर, ये 1.5 तो ये भी 1.5। अब पूरा 30 है, पूरा 30 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, तो ये कितना हो गया, ये बचा हुआ कितना हो गया, 30 में से 1.5 क्या कर दो माइनस। अगर आपको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो ए सी में से बी सी माइनस कर दो, ए सी माइनस बी सी यानी कि 30 में से 1.5 जब माइनस करा तो ए बी आ गया 28.5 मीटर, तो ए बी भी निकल गया, है कि नहीं। आपको निकालना है क्यू आर कि क्यू आर कितना है, ठीक है ना। क्यू आर कैसे निकलेगा, अगर मैं क्यू बी में से आर बी माइनस कर दूँ, क्यू बी में से अगर आर बी माइनस कर दूंगा तो क्यू आर निकल जाएगा ना, है ना। तो मतलब मुझे क्यू बी और आर बी दोनों निकालना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि निकालना कैसे है। सबसे पहले आप ट्रायंगल लो ए बी आर, देखो दिख रहा है ए बी आर दिख गया ना आपको, इसको थोड़ा सा अलग से बना रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो आपको कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ए बी आर तो अब ए बी तो हमने अभी निकाला कितना आया था 28.5 और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। यहाँ से हम आर बी निकालेंगे क्योंकि मुझे आर बी की रिक्वायरमेंट है ना, मुझे क्यू बी में से आर बी माइनस करना है ना क्योंकि मेरे को क्यू आर चाहिए, तो मेरे को आर बी निकालना है। तो जो निकालना है उसको कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं मान लीजिए, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आर बी निकालूंगा, तो लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी आर। तो मुझे क्या करना है, मुझे रेशो लेना है। तो मैंने बताया था रेशो आपको क्या लेना है, जो गिवन है और जो निकालना है उन्हीं का रेशो लेना है, जो कुछ भी पता नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, ये दे रखा है ये निकालना है तो इन्हीं में रेशो लूँगा। तो एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ऐसे तो होगा। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस 90 के सामने, है ना। तो रेशो किस में ले रहा हूँ, पी और बी में ले रहा हूँ, है ना। तो रेशो क्या लिया मैंने, ए बी अपॉन में आर बी, ए बी अपॉन में आर बी, ये कितना बना पी अपॉन में, पी अपॉन में बी। तो अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग, सोना चांदी तोले, इसके अकॉर्डिंग पी बाई बी क्या कहलाता है, टेन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन, और ग्राउंड का एंगल क्या है 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होता है।
तो ए बी कितना दे रखा है 28.5, और आर बी आपको मैंने एक्स मान लिया था, और टेन 60 की वैल्यू होती है टेबल से √3। अब होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 28.5 अपॉन में √3। समझ में आया आपको, क्रॉस जब करा इसको इससे करूँगा 1, इसको इससे करूँगा √3x, फिर √3 नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो करना क्या है आपको, सिर्फ इन दोनों की लोकेशन चेंज कर दो, एक्स अपॉन 1 तो एक्स ही होता है और ये नीचे आ जाएगा। अब नीचे रूट नहीं रहता तो रेशनलाइज करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो गया 28.5 √3। √3 कितना बताया, कभी भी दो रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो √3 √3 √3, √2 √2 2। अब तीन के टेबल में ये जाएगा 3 9 27, बचा 1, और 9 3 5 15। तो जो हमारा आर बी है, आर बी एक्स किसको माना था, आर बी को ही तो माना था, तो मेरा जो आर बी है वो 9.5 √3 आ चुका है। अब अगले पे आ जाओ, अब अगला क्या है, अब ट्रायंगल ले लो ए बी क्यू। देखो ट्रायंगल ले लो ए बी क्यू, ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है ना। अब आपको ए बी फिर से कितना दे रखा है 28.5, और इसको अब हम वाई मान लेते हैं क्योंकि मुझे यही चाहिए, मुझे आर बी चाहिए, सॉरी मेरे को क्यू बी चाहिए ना, मेरे को क्यू बी चाहिए, आर बी निकाल चुका हूँ, अब क्यू बी निकालना है तो मैंने वो वाई मान लिया। तो अब क्या लिखेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू बी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू बी। अब एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या होगा बेस, और 90 के सामने वाला क्या होता है, फिर से रेशो किसका लूंगा, जो गिवन है जो निकालना है, इन दोनों का रेशो लूंगा। तो लिया मैंने ए बी बाई क्यू बी, ए बी बाई क्यू बी फिर से बना मेरा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी फिर से बना 10, और ग्राउंड एंगल है इस बार 30 डिग्री का। तो ए बी जो रखा है 28.5, और क्यू बी मैंने वाई माना है, 10 30 की वैल्यू 1 बाई √3 होती है, क्रॉस करूंगा 1 वाई को 1 से वाई, इसको इससे करूंगा तो आया 28.5 √3, और y किसको माना था, क्यू बी को, यानी क्यू बी भी आ चुका है। क्यू बी कितना आया 28.5 √3। अब देखो मैंने क्यू बी भी निकाल लिया, आर बी भी निकाल लिया, मुझे चाहिए था क्यू आर, तो मैं क्यू आर को लिख दूँ क्यू आर माइनस आर बी, सॉरी क्यू आर को लिख दूँ क्यू बी माइनस आर बी। देखो क्यू आर को लिख दिया क्यू बी माइनस आर बी, मुझे बताओ क्यू बी कितना निकाला 28.5 √3, आर बी कितना निकाला देखो 9.5 √3। अब रूट वाले नंबर, रूट वाले नंबर कैसे माइनस करते हैं, इसके जो आगे वाले नंबर है वो माइनस होते हैं, रूट सेम रहता है ना। तो 28.5 में से 9.5 गए, बचा 19, √3 सेम रहेगा, यानी कि बिल्डिंग की तरफ जो वो डिस्टेंस चला वो था 19 √3 मीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते रहो और फिगर बनाते रहो। बोल रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो इसमें बोल रहा है एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, इस तरीके से बोल रहा है 20 मीटर की बिल्डिंग है उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, और इस पॉइंट से जो ग्राउंड पर पॉइंट है इससे करा क्या। देखो फिर से पढ़ते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर देख रहे हैं, किस किस को देख रहे हैं, बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को और ट्रांसमिशन टावर के टॉप को। हमने देखा 20 मीटर की बिल्डिंग थी तो कितना एंगल बनाया उसने, 45 और 60 डिग्री, मतलब जब बॉटम को देखा तो 45 डिग्री बन रहा है और जब टॉप को देखा तो 60 डिग्री बन रहा है। बोल रहे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ, तो इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, ये मुझे बताना है टावर की हाइट, तो इसको एच मान लिया और ये 20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट हाइट ऑफ द टावर बी, तो मैंने इस टावर की हाइट को क्या मान लिया, एच मीटर मान लिया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी. देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, छोटे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी डी. तो बी सी डी और बी सी हमारा 20 है और सी डी मुझे नहीं दे रखा, तो सी डी को भी हम एक्स मान लेते हैं. और ये ग्राउंड का एंगल है बी सी डी में, जो ग्राउंड का एंगल है वो 45 डिग्री है. देखो ये वाला लूँगा, बी सी डी में कौन सा एंगल आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है कि नहीं. तो मैंने ट्रायंगल बना लिया, तो लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी. तो अब ये गिवन है, ये निकालना है, तो रेशियो इन दोनों के बीच में चलेगा. एंगल के सामने वाला क्या होता है पी, एंगल के साथ वाला बी, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज. तो रेशियो लेंगे पी और बी का. तो क्या लिया, बी सी अपॉन में डी सी ले लेते हैं. बी सी अपॉन में डी सी तो क्या बनता है, पी बाय बी. तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग सोना चांदी तोले, पी बाई बी क्या होता है टेन. तो टेन और ग्राउंड एंगल कितना है 45 डिग्री का, ग्राउंड एंगल कितना है 45 डिग्री का. तो बी सी कितना आया 20, डी सी को क्या माना एक्स, टेन 45 टेबल से होता है 1, तो 1/1 लिख लिया, क्रॉस करा 20 1 20, एक्स को 1 से करा एक्स, यानी कि एक्स 20 और एक्स माना था सी डी को. तो फिलहाल सी डी आ चुका है 20 मीटर, फिलहाल के लिए जो सी डी था वो 20 मीटर आ चुका है. अब हम ट्रायंगल लेंगे पूरा ए सी डी, ये पूरा ट्रायंगल बना लो, ए सी डी. ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, क्योंकि पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है 60 डिग्री का. अब जो ए सी है, ए सी है एच प्लस 20, तो लिखेंगे एच प्लस 20. और सी डी, सी डी मैं पिछले केस में निकाल चुका हूँ, वो 20 था, है ना. तो अब यहाँ से मुझे h कैलकुलेट करना है बस. तो लिखेंगे इन अ राइट ट्रायंगल ए सी डी, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी. तो रेशियो किस में लेंगे, एंगल के सामने क्या होता है p, एंगल के साथ में b और 90 के सामने. तो रेशियो किस में लेंगे, p और b में लेंगे, ठीक है ना. तो रेशियो क्या लिया, ए सी अपॉन में सी डी, ए सी अपॉन में सी डी, p बाय b बना tan, और ग्राउंड का एंगल कितना है 60 डिग्री का है ना. तो ए सी कितना है एच प्लस 20, सी डी कितना है 20, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस कर दिया एच प्लस 20 1 से करूँगा सेम टू सेम, और 20 को √3 से करूँगा तो 20 √3, और फिर प्लस का 20 उधर जाकर होगा माइनस, तो 20 √3 - 20. अब देखो भाई, एक रूट वाला और एक बिना रूट वाला कभी भी माइनस नहीं होता, ये नाइन्थ क्लास में हमने सीखा था. माइनस तभी होगा जब दोनों पे √3 √3 होता, तभी माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो क्या करेंगे, 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो, यहाँ से बचा √3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1. तो जो इस टावर की हाइट होगी, लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 - 1. तो इस तरीके से हम टावर की हाइट निकाला, ये समझ में आया. चलते हैं अगले पे. 8th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रल. देखो भाई, इसमें बोल रहा है पेडेस्ट्रल के टॉप पर एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल. मतलब मैं मान लेता हूँ ये पेडेस्ट्रल है और इसके ऊपर एक छोटा सा स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है ना. पेडेस्टल होता है जिस पर हम चलते हैं, मतलब आपने देखा होगा कभी कभी रोड के ऊपर एक स्टेयर्स लगी होती है ताकि आप उन स्टेयर से रोड को पार करें, है ना. कई बंदे रोड से पार कर रहे होते हैं तो गाड़ी वाला ठोक जाता है, दिक्कत हो जाती है ना. तो पेडेस्टल होता है जो हम मतलब कि सड़क को पार करते हैं थ्रू स्टेयर्स, स्टेयर से पार करते हैं ना. तो ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू लगा हुआ है 1.6 मीटर का, ठीक है ना. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, स्टैचू का टॉप ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ठीक है. उसके बाद फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रल, फिर पेडेस्ट्रल के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री. तो ये 45 था और बड़े वाला 60 था. तो हम देख रहे हैं करीब करीब पुराने वाली फिगर हो गई बिल्कुल.
बोल रहा है पेडेस्टल की हाइट बताओ, चेंज क्या हुआ? वहाँ पर ये दे रखा था ये निकालना था, अब ये दे रखा है ये निकालना है, बस इतना सा चेंज है इसके अंदर। तो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले इसमें भी वही छोटे वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं बी सी डी। तो इसके अंदर ये ट्रायंगल ले लिया, तो इसमें लिख दो पहले लेट हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल बी। तो मैंने मान लिया पेडेस्ट्रल की जो हाइट है वो एच मीटर है, तो बी सी डी ले लिया ट्रायंगल। ये वाला ग्राउंड एंगल इसका 45 डिग्री है, ये एच है, और फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं पता तो इसको एक्स मान लेते हैं ना। मैंने क्या करा, जो हाइट थी उसको एच मान लिया और बॉटम वाले को एक्स मान लिया। देखो भाई, हम इसको नहीं मान रहे क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स में इसके बेसिस पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको एक्स मान लिया, हालांकि इसमें मुझे कुछ भी नहीं पता, तो इसको एच इसको एक्स मान लिया, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या होगा, जब आपको जो रेशो लेना है, अब वो लेना तो इन दोनों में ही है क्योंकि मैंने माना ही इन दोनों को है, इसको माना ही नहीं है, रेशो तो इन दोनों में ही लूँगा। लेकिन अब क्या होगा, इधर से कोई वैल्यू नहीं आएगी। अभी तक पीछे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, एक दे रखा होता था, एक आता था, एक की वैल्यू आ जाती थी, जैसे एच दे दिया एक्स आ जाएगा, एक्स दे दिया एच आ जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, एच और एक्स दोनों ही नहीं है। तो अब क्या होगा, इन दोनों में एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को फिर हम आगे यूज़ करते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है पी, एंगल के साथ में बी, और ये हाइपोटेन्यूज है ना 90 के सामने। तो एच और एक्स में लूँगा रेशो, मतलब पी और बी में लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा क्या, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। तो क्या लिया, बी सी अपॉन में सी डी। तो बी सी अपॉन में सी डी बना पी बाई बी। तो फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग, सोना चांदी तोले, पी बाई बी क्या बनता है, टेन टेन, और ग्राउंड पर एंगल है 45 डिग्री। तो बी सी है एच, सी डी है एक्स, टेन 45 वन क्रॉस कर दिया, तो एच वन जा एच और एक्स वन जा एक्स। तो जब आपको कुछ भी ना दे रखा हो तब आपका उन दोनों में क्या आता है, रिलेशन आ जाएगा। तो मेरे को ये समझ में आ गया ना कि एच और एक्स बराबर है और मुझे निकालना है एच। तो मैं इस रिलेशन को फिर अगले वाले ट्रायंगल में यूज़ करूँगा। अगले वाला ट्रायंगल क्या है, ए सी डी, ये पूरा ट्रायंगल है अगले वाला। देखो भाई बना रहे हैं यहाँ पर अलग से, ए सी डी, ये 90 डिग्री, ग्राउंड पर एंगल 60 डिग्री है। अब देखो ए सी क्या हुआ, ए सी हुआ एच प्लस 1.6, h+1.6, क्योंकि अभी ये नहीं आया है तो इसको x ही मान लेते हैं अभी, क्योंकि आया नहीं है ना ये। तो अब क्या लिखेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। तो क्या लिया हमने, एंगल के सामने p, ये b, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या लूँगा मैं, इन दोनों में रेशो लूँगा पी बाई बी या बी बाई पी। तो मैं क्या ले रहा हूँ, ए सी अपॉन में सी डी, ए सी अपॉन में सी डी, फिर से बना पी बाई बी टेन 60 डिग्री, है ना। तो ए सी कितना है, एच प्लस 1.6, सी डी कितना है एक्स, और टेन 60 टेबल में होता है रूट थ्री। एच प्लस 1.6 को 1 से करूँगा तो यही का यही आ जाएगा, एच प्लस 1.6 को करूँगा तो यही का यही आ जाएगा, और रूट थ्री को x से करूँगा तो क्या आएगा, रूट थ्री एक्स। अब ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से h निकालना है लेकिन x भी तो नहीं पता। तो अब मैं क्या करूँगा, इस रिलेशन को यूज़ करूँगा जिसमें h और x बराबर था। तो मैंने क्या करा, x की जगह h पुट कर दिया, यानी कि पुट करेंगे x को h, क्योंकि मुझे h चाहिए ना, तो मैंने इसको h रख दिया, ठीक है ना। अब सारे h एक तरफ, प्लस का h उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, तो इधर बचा रूट थ्री, इधर बचा वन, और रूट थ्री माइनस वन फिर नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब नीचे रूट नहीं रहता तो क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे होगा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1.6 ऊपर रूट थ्री प्लस वन, और नीचे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है, रूट थ्री, मतलब रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो h हो गया 1.6 रूट थ्री प्लस वन, ये हो गया थ्री माइनस वन, तीन में से एक गए कितना आया,
तीन में से एक गया दो, और टू के टेबल से मैं 1.6 को कट कर सकता हूँ, कितने पे जाएगा 0.8 पर। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल, जो पेडेस्ट्रल की हाइट है वो कितनी है 0.8 तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगा हो कि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।